आधे घंटे में तैयार कर लेंगे, एक घंटे में तैयार कर लेंगे। औकात में रहा करो तो नंगा कर देंगे और इतना मारेंगे बैठा कर यहाँ पे, ऐसे थोड़ी बोल दिए यूट्यूब पे, उसके पीछे रीजंस हैं। एक लड़का चटाई बेच रहा था कि चटाई ले लो जो कभी नहीं फटेगी, चटाई ले लो कभी नहीं फटेगी, पुछते पुछते चलेगी, चटाई ले लो कभी नहीं फटेगी। एक आदमी ने खरीदा, दूसरे दिन वो फिर उधर से निकला, कहा तुम कह रहे थे कभी नहीं फटेगी, एक ही दिन में फट गई। कहा क्या किए थे? कहा मैं बैठा था। मैंने कहा मैंने बैठने के लिए थोड़ा कहा था, मैंने कहा चटाई ले लो, बैठोगे तब तो फटेगी, अगर जब बैठोगे। जो मैंने कहा है ना एनसीईआरटी कर लो, सर बिरला लोग एनसीईआरटी करते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस पे खेलता हूं, कई केसेस हो चुके, कई एक दो केस नहीं हुए, कई सारे। एक लेडी थी वो आ गई एक बार एनसीईआरटी, हाउ कैन एनीवन कैन क्वालिफाई बाय प्रिपेयरिंग एनसीईआरटी। मैंने कहा यू प्रिपेयर्ड? आई हैव प्रिपेयर्ड। मैंने कहा विच एनसीईआरटी? बोली ज्योग्राफी। अरे मैंने ग्रैंड चैको क्या है? है? मैंने ग्रैंड चैको क्या? ग्रैंड चैको कोई चीज है? माता जी चाहिए। कितने तरह के लैंड फॉर्म्स हैं अफ्रीका में? नहीं बता पाई। द क्लाइमेट ऑफ अफ्रीका डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, विच टू? नहीं बता पाई। लड़कियों को मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि इनकी जिंदगी बिना पावर के वैसे ही नर्क में, हिंदुस्तान में इनकी जिंदगी नर्क में है इफ दे आर नॉट इन पावर। इसलिए मैं लड़कियों को कुछ नहीं बोलता कि अगर तुम मेहनत करोगी तो अपने लिए करोगी, क्योंकि आधी जिंदगी तो तुमने अपने फादर के बल पे जी ली, उसने तुम्हें बड़ा प्यार किया, अब उसके बाद कोई नहीं करेगा, अब उसके बाद तुम्हें कोई प्यार नहीं करेंगे। कहेंगे बहुत लोग वैलेंटाइन डे पे वो हार्ट वार्ट खरीद के लाएंगे। 14 को मेरी क्लास थी तो एक भाई साहब हार्ट लिए जा रहे थे, वो पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ था हार्ट, मुझे हंसी आ रही थी कि बाहर से ले जा रहे हार्ट। और क्या क्या ले जाओगे बाहर से? मेरे दोस्त ने मैंने कहा भाग जाएगी, इतना बड़ा हार्ट खरीद, हार्ट दिखाना पड़ता है, 50-60 मंजिल से कूद जाओ लड़की को नीचे खड़ा करके, बच गए तो ठीक है। एंगर ये तो होना ही नहीं चाहिए, सब चीजें जरूरी हैं, एंगर सबसे लड़ गए, रिक्शे वाले से लड़ गए, सब्जी वाले से लड़ गए, एंगर। लैक ऑफ एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब तुम देख लेना ये तीन चीज तुम्हारे अंदर ना हो, इंपेशेंस। इफ यू हैव इंपेशेंस यू विल नेवर रीच ऑन हाइट्स। जब मोदी जी के दोस्तों के बच्चों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, तब वो प्रधानमंत्री बने। उनकी भी माँ ने उनसे कहा होगा बबलुक शादी हो गई, तुम जो है आरएसएस ऑफिस घूमते रहते हो, कहा होगा। जैसे हमारे ऊपर सोशल प्रेशर बनता है कि सब दोस्तों की तुम्हारी शादी हो रही, बताओ। तो व्हेन द चिल्ड्रंस ऑफ मोदीज फ्रेंड्स गॉट मैरिड एंड देयर चिल्ड्रंस गॉट मैरिड ही इज अ प्राइम मिनिस्टर। पेशेंस। 1756 Shiraz becomes the Nawab of Bengal. 1756 Clive is sent as a governor of Fort William. See the 2 years. Tension is already there between Bengal Nawab and East India Company. On which issue?
दस तक नहीं, नहीं। अब दोनों हीरो को देखो, एक तरफ शिराज विद दीज वीकनेसेस, दूसरी तरफ क्लाइव, पेशेंस, कैलकुलेशन, एक्सपीरियंस। देखो दोनों आईएस दे रहे हैं। एक गरीब के घर का लड़का है क्लाइव, ये राजा का घर का लड़का, ये फिर इसका प्री ही नहीं निकला, मारे गए अलग से। दोनों की बैकग्राउंड देखो, ऑन वन साइड क्लाइव इन बंगाल, अदर साइड शिराज इन बंगाल, बोथ यंग। क्लाइव रीचेस बंगाल, when he reaches Bengal, he was clear that Shiraz is facing discontent among his people. There is a dispute for the throne in Bengal also. Ghaziti Begum, जो मामला कर्नाटक और हैदराबाद में था वो यहां भी था। Most of the people were disappointed with Shiraz. The number of Vibhishans were very high in Bengal. He was confident कि बस बस एक विभीषण ने रावण को मरवा दिया, यहां तो कई सारे हैं। कॉन्फिडेंट एंड विद दैट कॉन्फिडेंस ही स्टार्ट्स फोर्टिफाइंग फोर्ट विलियम विदाउट द परमिशन ऑफ बंगाल नवाब। अब हम दोनों इनके मकान में किराए पे हैं, कल मैंने बताया था, और हमने इनसे बिना पूछे छत पे एक बार बनवाना शुरू कर दिया, तो इनको गुस्सा आएगी कि मकान मेरा हो, बार गाय बनवा रहा हूं भैया। कंपनी स्टार्टेड फोर्टिफाइंग फोर्ट विलियम, कंपनी वॉज